टुडेज लेक्चर। तो कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल। तो अगर सपोज करो एक चार्ज है क्यू, और इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये कहीं पे भी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर एक पॉइंट है पी, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट पी है, तो इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको कि हम बी पी से डिनोट कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये पोटेंशियल हमें क्या बताता है कि इस पॉइंट पे अगर हम इन्फिनिटी से उठा करके कोई चार्ज ला करके रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको उठा करके लाने में कितना हमें वर्क करना पड़ता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे। और अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो करके इसकी कोई वैल्यू है, तो जितना काम हमें करना पड़ेगा वो सारा वर्क जो है वो चार्ज में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो पोटेंशियल जो है वो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और एनर्जी जो है वो चार्ज में स्टोर हो जाएगी। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लाने में जो वर्क किया गया उसको हम अगर कंसीडर करें, तो वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कहलाएगा पॉइंट पे। और अगर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग सम सर्टेन चार्ज हैविंग सम मैग्नीट्यूड, यूनिट नहीं कुछ ज्यादा मैग्नीट्यूड है उसका, तो उसको लेके आने में जितना वर्क किया जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा हमारे चार्ज। उसके बाद हमने कंसीडर किया कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दोज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थी कि भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम हम करते हैं वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ना कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में कौन सी पाथ फॉलो की जाती है। तो उसके लिए हमने दो पॉइंट कंसीडर किए थे, ए एंड बी, और हमने ए से बी एक चार्ज को लेकर गए और बी से ए वापस लेकर के आए वाया सम अदर पाथ। तो दो अलग अलग पाथ से लेके गए, और हमने वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ निकाला, और ये जीरो आया। और ये अगर जीरो आता है तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो, और वो वाली फोर्सेस जिनके लिए वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ जीरो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण उसके आसपास कोई एक हम पॉइंट कंसीडर करेंगे वहां पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो सपोज करो एक पॉइंट है O, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, तो ये अब चार्ज अपने आसपास अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मानो एक पॉइंट है पी यहाँ। तो हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, इधर मैं एक स्ट्रेट लाइन मार देता हूँ, ये रही। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस एक पॉइंट है हमारे पास पी, जो हमारे प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पे पड़ा। तो हमें अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। कि मतलब अगर इन्फिनिटी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसको उठा करके आप पी तक लेके आओ, तो टोटल जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वही इस पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू है। तो मानो इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं उसको उठा करके पी पॉइंट की तरफ लेके आया, तो रास्ते में एक पॉइंट मैंने देखा ए है, तो मैंने एक ऑन द वे एक पॉइंट ए कंसिडर किया जो हमारे प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, और दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द चार्ज। तो हम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में कोई पॉइंट ए कंसीडर किया हमने जो हमारे प्लस क्यू चार्ज से एक्स दूरी पे है।
और फिर एक और पॉइंट हमने कंसीडर किया बी, जो कि बी जो ए से है वो डीएक्स दूरी पे है, तो हमने बीच में रास्ते में दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। नाउ जब हम चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और वो ए पॉइंट पे आ गया, तो ए पॉइंट पे वो चार्ज जब रखा जाएगा तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ए होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, ए पे अवे फ्रॉम ए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है और उसकी वैल्यू क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारा ये जो पॉइंट ए है वो ओ से कितनी दूरी पे है बेटा, एक्स दूरी पे है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पे इस डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगेगी। तो अल्टीमेटली हमारे चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इतनी फोर्स लगेगी अलॉन्ग ओ ए एक्सटेंडेड। अब हमने इस चार्ज को ए से बी लेके आना है तो हमें इतनी फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो ए पे पड़े हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है इतनी, और हमने ए से बी लेके आना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू। और ये वर्क डन जिससे केवल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितनी है, फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट जो कि है डीएक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम ए और डीएक्स जो है वो है ए से बी, तो इन दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, द एंगल विल बी 180 डिग्री। देखो ई जो है वो राइट हैंड साइड पे है और डीएक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, इट विल बी 180 डिग्री। तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, ई डीएक्स कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई इंटू डी। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई वर्क डन की जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैंने चार्ज को कहाँ से लेके जाना है, मैंने इन्फिनिटी से उठा करके पी पॉइंट तक लेके जाना है, मतलब मेरे प्लस क्यू चार्ज से दूरी कितनी होगी, इन्फिनिटी, और कहाँ तक लेके जाना है, आर दूरी तक। तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ इस वर्क को इंटीग्रेट करके विद इन द लिमिट्स, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा, दैट विल बी इंटेग्रल ऑफ माइनस ई डीएक्स, और वेरी क्या कर रहा है, डिस्टेंस कहाँ से, इन्फिनिटी से शुरू हुआ और आर तक हो गया, तो माइनस ई डीएक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो हम ये टोटल वर्क की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल माइनस ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है बेटा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर इंटू डीएक्स, और लिमिट्स हैं इन्फिनिटी से आर। तो इससे हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, क्यू जो है वो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, अंदर इंटेग्रल किसका रह जाएगा, बिल्कुल 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटेग्रल रह जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इंटेग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूँ न्यूमरेटर में, तो x^-2 dx। x^n का इंटेग्रल कितना होता है, x^n का इंटेग्रल होता है x^(n+1)/(n+1)। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x^(n dx) इज x^(n+1)/(n+1)। तो इसका इंटेग्रल आप जब करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 4 q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, लिमिट्स हो जाएंगी इंफिनिटी से आर। तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो माइनस वन बाय एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय एक्स, लिमिट्स हैं इंफिनिटी से। तो ये नेगेटिव बाहर निकालेंगे, ये नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क विल बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा 1 बाय एक्स, और इसकी लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट होगी इंफिनिटी से आर। तो हम लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट है 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, एंड 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और ये है टोटल वर्क डन, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। और बाय द डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यही वर्क डन होता है, तो बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट which is at a distance r from the charge q is given by 1 by 4 pi epsilon naught q by r. So, ye hai hamare paas electrostatic potential due to a point charge ki value. Clear hai yahan tak? Now, agar ye ek point aisa ho jo kai sare charges ke paas pada ho, to due to number of charges wahan pe potential ban jayega, to hamare paas ek topic ban jata hai potential at a point due to group of charges. Due to group of charges का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये है कि हमारा जो point है, हमारा point कई सारे charges की electric field में है, तो इसका मतलब सभी charges अपना अपना potential वहां पे बना देंगे। ऐसा ही situation हमने जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था तो फोर्स पे भी निकाली थी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी पे किया था तब भी निकाला था कि अगर एक पॉइंट कई सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वहां पे क्या होगी, वेक्टर सम हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम स्केलर सम कर देंगे। सपोज करो हमारा जो पॉइंट है दैट इज पी, वो कई सारे चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री Q4 एंड Qn, वो सारे चार्जेस हैं उनके आसपास पड़ा है। तो ये रहा, इससे दूरी ये रही, इससे दूरी हम ये रही, ये P पॉइंट हमारे कई सारे चार्जेस के आसपास पड़ा है। इधर से अगर Q1 से दूरी ले लेंगे तो R1, Q2 से R2, Q3 से R3, Q4 से R4 एंड Qn से Rn। तो ये हमारे पास है, हमारा पॉइंट कई सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो हमारे पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है हमें ड्यू टू दीज नंबर ऑफ चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सभी चार्जेस के कारण यहाँ पे जितना पोटेंशियल बन रहा है वो निकालेंगे, और उन सभी पोटेंशियल्स को स्केलर सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नाउ we will calculate the potential at point P due to each charge, एक एक करके charge। तो potential, now potential at point P due to charge Q1, तो Q1 के कारण कितना potential बनेगा, तो हमने अभी देखा potential की value कितनी होती है, ये 1 by 4 pi epsilon q by r, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught q, that is q1 by r1। similarly b2, p पे ही पोटेंशियल, q2 चार्ज के कारण कितना बनेगा बेटा, 1 by 4 pi epsilon naught q2 by
आर टू, वैसे ही क्यू थ्री के कारण कितना बनेगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू थ्री बाय आर थ्री अप टू सोन बी एन, एन एक्स चार के कारण कितना बनेगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन बाय आर। तो नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इस पॉइंट पी पे, ये रहा हमारा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल बनेगा, तो हमने हर एक चार्ज के कारण इधर कितना पोटेंशियल बन रहा है एक एक करके निकाल लिया, और अब हम क्या करेंगे, वी विल सम ऑल द पोटेंशियल, तो हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालेंगे लगाएंगे और टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पी is equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on Vn. So this will be equal to Q1 by 4 pi epsilon naught R1 plus Q2 by 4 pi epsilon naught R2 plus Q3 by 4 pi epsilon naught R3 plus up to so on Qn by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो यहां पर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 अप टू सम Qn बाय Rn। तो वी कैन राइट इट एज सिग्मा, समझ लिख सकते हैं सिग्मा Qi बाय Ri वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्ज। तो ये है हमारे पास वैल्यू। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल बन रहा है उसको निकाल के सम अप करते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमारा अगला टॉपिक है कि अभी तो हमने ये देखा कि ये पॉइंट चार्जेस, तो अगर एक पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड में पड़ा हो, तो अगर हम अगर हमारा जो पॉइंट है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन सकता है। तो अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक समृति, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी कैन सॉल्व योर डाउट, ठीक है, या भी पूछ सकते हो। यस प्लीज समृति बोलो। सर जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाले टॉपिक में पढ़ा कि एक पॉइंट ए है, लेके अपने सर इंफिनिटी से पी तक अपने वो चार्ज को लेके जाना है, बट सर आप ए कंसीडर क्यों कर रहे हैं उसमें, इसमें सर आप सीधा नहीं कर सकते। नहीं नहीं सीधा नहीं कर सकते, पता क्या है, देखो फिजिक्स में ना एक रूल हम हमेशा फॉलो करते हैं बेटा, हमने जब भी कोई बड़ी चीज निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे सपोज करो मैंने एक लेवल है और एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है, तो हम कैसे करते हैं, हम स्टेप्स लेते हैं, है ना, हम स्टेयर चढ़ते हैं, तो वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप ऐसे करते हैं। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कभी भी हमने अगर टोटल वर्क डन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उनके बीच में छोटे कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, उनका वर्क डन निकालते हैं, और फिर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक वर्क निकालना था, तो नो डाउट हम टोटल एक साथ ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका क्या होता है, हम रास्ते के दो पॉइंट्स उठाते हैं इन द मिडल, और उन दो पॉइंट्स के बीच में छोटा सा वर्ग निकाल करके फिर हम टोटल
एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमारा हमेशा ही फिजिक्स में ये तरीका रहा है कि वी यूज इंटीग्रेशन टू सॉल्व दीज टॉपिक्स। तो इंटीग्रेशन की हेल्प में ऐसे ही किया जाता है, कोई भी दो छोटे पॉइंट ले लो, छोटी दूरी का वर्ग निकालो और उस छोटे से वर्ग को आप इंटीग्रेट कर दो एक्सट्रीम लिमिट्स के बीच में, मतलब इन्फिनिटी से लेकर के आपने जहां तक लेके आना था वहां तक में हमने वर्ग को टोटल निकाल। तो ये हमारा एक तरीका होता है इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। ओके सर, है ना। तो फिजिक्स में हर जगह ही, जब भी आपने अगर प्लस वन में भी कई सारे अगर आपने एक्सप्रेशन किए हैं या आगे भी जब हम करेंगे, तो हमारा मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम एक्सप्रेशन में यही चीज यूज करते हैं। जब हमें इंटीग्रेशन यूज करनी होती है टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, तो हम क्या करते हैं, हम बीच के कोई दो पॉइंट उठाते हैं, उनमें हम वर्ग निकालते हैं और फिर उस छोटे से वर्ग को इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द बिगर लिमिट्स। तो कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक खत्म किया, उस लिमिट के बीच का टोटल हमारे पास वर्ग आ जाता है। दिस इज द वे वी सॉल्व ऑल द एक्सप्रेशंस। एनी अदर डाउट? ओके सर। एनी अदर डाउट? नो सर। चलो, अभी क्या हुआ, हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लिया और ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि अगर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड में पड़ा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी वहां पे पोटेंशियल बनाएगा, तो उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो हम एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं अब। तो इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये रहा डाइपोल हमारा बेटा भाई, ये हमारा डाइपोल है। सपोज देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी, और ए पॉइंट पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज पड़ा है और बी पॉइंट पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, और एज यूजुअल हमारा जो डाइपोल की लेंथ है दैट इज 2a। तो ये इसका सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर ओ ऑफ द डाइपोल। तो ये हमारा डाइपोल हमने कंसीडर कर दिया, तो वी कैन राइट इट एज कंसीडरिंग अ डाइपोल हैविंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। Now we will consider any random point P. So, हमने इधर एक point P consider, ये रहा P, जो electric dipole की field में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से A point से इसकी दूरी, इसको मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी color की line से मैं show कर देता हूँ। तो मेरा point जो है ये P A से, और फिर मैं बनाता हूँ B से दूरी, से और एक हम बनाते हैं सेंटर से, क्योंकि हम हमेशा सबसे पहले हम जब भी हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो हम कहाँ कंसीडर करते हैं, हम उसकी दूरी हमेशा सेंटर ऑफ द डाइपोल से कंसीडर करते थे। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली थी तो हमारा एक्सियल लाइन पे हो, चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे हो, चाहे कहीं और पॉइंट हो, हमने कहाँ से ली थी उसकी दूरी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो अब हम सेंटर से इसकी दूरी कंसीडर करेंगे। तो मानो ये जो हमारा पॉइंट पी है ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर दूरी पे, तो आर दूरी पे है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, और मानो माइनस क्यू चार से ये आर वन दूरी पे है और प्लस क्यू से ये आर टू दूरी पे। नाउ बट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करना है। तो हमें ये पता है कि इस की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, q इंटू टू ए। तो ये है हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी हम क्या करते हैं, हम p पॉइंट पे ड्यू टू माइनस q चार्ज विच इज प्लेस एट a हम निकालते हैं पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू
एट पॉइंट या प्लेस एट पॉइंट ए, तो इसके कारण हम मानते हैं बी वन पोटेंशियल है, तो माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज माइनस क्यू, तो नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल वो नेगेटिव बनाएगा, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट इज आर वन। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज के कारण, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट बी, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बी टू विच इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी चार्ज की वैल्यू कितनी है प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर टू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर टू। तो एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे वी वन पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण बन रहा है और वी टू पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण बन रहा है, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी, सो देयरफॉर पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, सो इट इम्प्लाइज बी की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाती है, विच विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, और वी वन की वैल्यू है माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वन, और वी टू की वैल्यू है प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वन दैट इज माइनस प्लस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर टू, तो इट इम्प्लाइज बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, वन बाय आर टू विच इज पॉजिटिव माइनस वन बाय आर, तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। तो इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक अब ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ज्योमेट्री का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आप देखो, एक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन अगर हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो यहाँ पर हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, चलो अभी क्या है, हमने पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और ज्योमेट्री का फॉर्मूला क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती तो एक कोसाइन फॉर्मूला होता है ज्योमेट्री का, यू हैव टू रिमेंबर इट आउट, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, और ये कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, ये कोसाइन फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो सबसे बिगर साइड दैट इज आर, अगर हम ये वाली ट्रायंगल देखें, ये देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो इधर ही मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, आई विल राइट इट डाउन हियर, तो अगर ट्रायंगल हम ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी को कंसीडर करें, ओ ए पी, तो इसमें सबसे बिगर साइड है आर वन, तो बिगर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये ओ ए कितनी हो गई, ए है, और ओ पी कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस ऑफ एक्सटीरियर एंगल बिटवीन दीज टू साइड दैट इज थीटा। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल किससे होता है, स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टू ए आर कॉस ऑफ एक्सटीरियर एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एक्सटीरियर एंगल जो कि हमारे पास क्या है थीटा, तो हमारे पास ट्रायंगल ओएपी से ये आ गया, और सिमिलरली ट्रायंगल ओबीपी से अगर मैं निकालना चाहूं
आर टू का स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर कॉस ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब इधर ए और आर में एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये रहा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहां से आर टू का स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए आर कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज द कोसाइन फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर इट। तो ये कोसाइन फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या आ गया, आर वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रहता है, वन प्लस ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस टू ए आर कॉस ऑफ थीटा। एज ए इज वेरी लेस देन आर, तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट डाइपोल कंसीडर करते हैं, तो ए जो है वो आर के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर के मुकाबले में और छोटा हो जाएगा, तो हम निगलेक्ट कर देंगे ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर, और अंदर क्या रह जाएगा, वन प्लस यहाँ पे जो हमने आर स्क्वेयर कॉमन निकाला, तो इधर हमने थोड़ा सा गलत है हमारा ये, तो जब हमने इधर कॉमन निकाला तो आर स्क्वेयर बाहर आ गया, तो यहाँ पर टू ए बाय आर रहेगा। प्लीज कंसिडर इट आउट, ये टू ए आर स्क्वेयर जब बाहर जाएगा तो आर स्क्वेयर से डिवाइड होगा, आर और आर स्क्वेयर से टू ए बाय आर आ जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या आ गया, आर वन प्लस टू ए बाय आर कॉस थीटा। और इधर हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो आर वन की वैल्यू क्या आ जाती है, आर वन प्लस आर इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लिया, तो आर वन का स्क्वेयर आर रह गया, आर स्क्वेयर का आर रह गया, और ये ब्रैकेट में जो चीज है इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है जी, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पोटेंशियल निकालने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन, तो हमें 1 बाय आर वन और 1 बाय आर टू की वैल्यू चाहिए, तो ये आर वन की वैल्यू है, तो हम 1 बाय आर वन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो 1 बाय आर वन इज इक्वल टू 1 बाय आर डिवाइडेड बाय 1 बाय दिस, तो हम इसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2, 1 अपॉन अंडर रूट दैट इज 1 अपॉन पावर 1 बाय 2, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा तो पावर माइनस 1 बाय 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली 1 बाय आर टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 बाय आर 1 माइनस 2 ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का ही फर्क था, अगर आप देखो तो इन दोनों में क्या फर्क था, इधर प्लस था और इधर माइनस था, बस यही फर्क था। तो हमारे पास ये बाय 1 बाय आर 1 की और 1 बाय आर 2 की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 1 बाय आर 2 और 1 बाय आर 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 बाय आर अनदर ब्रैकेट 1 माइनस 2 ए बाय आर कॉस थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय आर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 2 बाय आर कॉस थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2, क्योंकि पहले हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, 1 बाय आर 2 की, और 1 बाय आर 2 की वैल्यू है ये, और 1 बाय आर 1 की वैल्यू ये है, तो हमने पहले ये वाली वैल्यू पुट की और फिर ये वाली। नाउ वी विल एक्सपेंड दिस, ये वाली ब्रैकेट जो हमारे पास है इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहती है 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होता है वो 1 प्लस एन एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है, तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, तो ये वाली जो पावर है हमारी माइनस 1 बाय 2 ये इधर आ जाएगी और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये माइनस 1 बाय 2 इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो व्हाट वी विल गेट, बी इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught bracket start, तो ये 1 by r जो है हमारा, ये हम common भी निकाल सकते हैं, तो इधर देखो 1 by r इसमें भी है, 1 by r इसमें भी है, इन दोनों में से common निकाल के हम इसको बाहर लिख सकते हैं इस जगह पे r, और bracket में हमारे पास क्या रह जाता है,
अगर हमने कॉमन निकाले 1/r, तो 1 प्लस a बाय r cos थीटा। काइंडली ध्यान देना, हमारा इस लेक्चर का टाइम ओवर हो रहा है, तो जैसे ही ओवर होगा मैं दोबारा से शुरू करूंगा और फिर हम ये वाला टॉपिक पूरा करके ही लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है? तो आप काइंडली दोबारा ज्वाइन करोगे। तो a बाय r cos थीटा हमारे पास आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वन से वन कट जाएगा। a बाय r cos थीटा और a बाय r cos थीटा ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r 2a बाय r cos थीटा। एंड q into 2a इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो ये है हमारी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक।